मुझे गाना दे। वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैपकट में कैसे हम ट्रेंडिंग ट्रांजिशन फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्रीव्यू में देख ही लेता है। ठीक है, बिल्कुल सेम वीडियो आज मैं आपको एडिट करके दिखाने वाला हूं, वो भी बहुत ही सिंपल सा स्टेप में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, आई होप आपको ट्यूटोरियल काफी पसंद आएगा। एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार वो हमेशा की तरह किसी वीपीएन से आपको कनेक्ट हो जाना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्विक वीपीएन में सिंगापुर से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट होना है, बस कंट्री को सेलेक्ट कर दो, हो जाओगे कनेक्टेड। ठीक है, देन उसके बाद एक कैपकट को ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर आके हम अपने फोटो को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो फोटो आप यूज करना चाहते हो उन सारे फोटोज को जस्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो 7-8 फोटोज की हमें जरूरत पड़ेगी, तो 7-8 फोटोज हम यहाँ से सेलेक्ट करते एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ये हमारा होगा कि हमें फोटोज को ऐड करना होगा एंड उसके बाद इसे अच्छा से एडजस्ट करना होगा। तो अच्छा से एडजस्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रॉल करो, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करो एंड 9:16 को सेलेक्ट कर लो। अब इसे आपको एडजस्ट करना होगा, तो अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे हम स्क्रीन में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर एक फोटो को पूरा स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट सारे फोटोज को एडजस्ट कर लेता हूँ। सो सारे फोटोज एडजस्ट हो जाए, देन उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑडियो ऐड करना होगा। ठीक है, अब ऑडियो का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपको और भी सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे इस टाइप के ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, साउंड के ऊपर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद फाइल मैनेजर के ऊपर आके जस्ट फ्रॉम डिवाइस पे टैप करके यहाँ पे आप सर्च कर लेना फुल सॉन्ग। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑडियो का नाम रख दिया है फुल सॉन्ग, तो ये टॉप में आ जाएगा, अदरवाइज आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से जस्ट प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके ऐड कर लेना। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये होने वाला है कि हमें सबसे पहले म्यूजिक को ऐड करना है, देन उसके बाद इसमें आपको बीट को फाइंड आउट करके ऐड करना होगा। बीट को ऐड करने के लिए अपने म्यूजिक के ऊपर हम सिंपली सा क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैच कटआउट का ऑप्शन मिल लगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन इसे आपको प्ले करना है। ठीक है, आप इसे प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा कि 10 सेकंड तक तो कोई बीट नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड तक कोई बीट नहीं है, सिर्फ म्यूजिक चल रहा है एंड उसके बाद 11 सेकंड से हमारे बीट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपको बीट सुनाई देगा वहां पे आप ऐड बीट के ऊपर क्लिक करना, फिर से प्ले करना, फिर से बीट सुनाई दिया, फिर से आप रोक दो प्ले को एंड ऐड बीट कर देना, फिर से प्ले करो, फिर जहां बीट आपको सुनाई देगा वहां पे आपको ऐड बीट करना है एंड उसके बाद फिर से प्ले करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप सारे बीट को ऐड कर लेना। अब वो अगेन यार सेम स्टेप है, तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। तो सारे बीट्स को यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद सिंपली सा हमें डन करना होगा। ठीक है, डन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी बीट मार्किंग कंप्लीट हो गई और हमें यहाँ पे येलो येलो टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप हमारा ये होने वाला है कि हमें जो अपनी फोटोज है ना उन सभी को बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो अपना फर्स्ट वाला फोटो है उसे फर्स्ट वाले बीट तक लेके जाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले बीट हमारे 11 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक हम आएंगे एंड अपने फोटो को लाके जस्ट यहाँ तक रख लेंगे। ठीक है, पूरा बीट के सामने रखना, बिल्कुल बीट के सामने। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपका सेकंड फोटो होगा सेकंड बीट के पास आके जस्ट इसे आपको यहाँ से स्प्लिट करके बाकी वाले पार्ट को डिलीट कर देना। ठीक है, आप देख सकते हो ये मीन से सेम जगह पे आ गया। ठीक है, तो अब बीट के अकॉर्डिंग अपने सारे फोटोज के ऊपर आएंगे, स्प्लिट करेंगे एंड राइट साइड वाले को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर एक फोटोज के साथ कर लेना। अब अगेन यार सेम स्टेप है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूं। तो सारे फोटोज हमारे एडजस्ट हो चुके हैं बीट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद हमें इनमें एनिमेशन ऐड करना है। अब एनिमेशन कैसे ऐड करना है, बहुत सिंपल है भाई। आप अपने फोटो के ऊपर टैप करो, फर्स्ट वाले फोटो के ऊपर आपको टैप करना होगा, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे आपको एक कॉम्बो मिलेगा। ठीक है, कॉम्बो में आप आना एंड कॉम्बो में आने के बाद आपको जस्ट स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे बाइसेक्ट 2 एक एनिमेशन आपको मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा इसे ढूंढ लेते हैं, देन उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, बाइसेक्ट 2 हमें मिल चुका है, आप देख सकते हो ये वाला है। ठीक है, तो बट आप देख सकते हो बाइसेक्ट 2 को सेलेक्ट करने के बाद हमारी फोटो के यार उल्टा कर दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने फोटो के ऊपर आएंगे एंड इसे इस तरीके से रोटेट कर देंगे। ओके, आपको 90 डिग्री में इसे रोटेट कर देना होगा। ये अपडेट के बाद इस टाइप का ग्लिच हुआ है, पहले वाले कैपकट में ये प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप पुराना कैपकट यूज कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपडेटेड कैपकट में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आया, कोई नहीं, हम यहाँ पर रोटेट कर देंगे, क्या ही हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत
बढ़ जाएगी और क्या। ओके तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले फोटो को ऐड कर लेना होगा एंड उसके बाद यहाँ देख सकते हो ये इफेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब बाकी सारे फोटोज़ में हमें ये इफेक्ट ऐड नहीं करना है, अब इनमें हमें कुछ अलग अलग इफेक्ट ऐड करना है, जैसे कि किसी में सेक इफेक्ट या फिर किसी में जूम इफेक्ट, इस टाइप का आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो। बट जो सेकेंड फोटो होगा ना यार उसमें सेक जरूर से ऐड करना, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। ओके अपने फोटो के ऊपर टैप करेंगे, अब सेक इफेक्ट ऐड करना है तो एनिमेशन में आप जाना और यहाँ पे इन में आपको मिलते हैं सेक इफेक्ट, ठीक है, आप इन्हें यूज कर सकते हो, काफी सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज आप कॉम्बो में भी आ सकते हो, कॉम्बो में भी हमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ उबल, ठीक है, ये वाला भी काफ़ी सही लगता है एंड इसी टाइप का आपको और भी यहाँ पे इफेक्ट मिलेंगे। तो जो अच्छा लगेगा आपको सेक इफेक्ट आप अपना देख लेना एंड उसे अप्लाई कर देना। देन उसके बाद जो उसके नेक्स्ट वाले फोटोज है ना उन सभी में आप पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2 को यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको जो दूसरा इफेक्ट पसंद आए, यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जो पसंद आएगा आप उसे यूज कर सकते हो। फिलहाल तो यार मैं सभी में पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2 सेलेक्ट करता हूँ, मीन्स एक में अगर आप पेंडुलम 1 सेलेक्ट कर रहे हो तो सेकेंड वाले में पेंडुलम 2 को सेलेक्ट करना, ठीक है, तब जाके एनिमेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे में ऐड कर लिया और यहाँ पर दो फोटोज बची हैं मैं भी ऐड करता हूँ, बट लास्ट वाले में आके ना फिर से आपको एक सेक इफेक्ट ऐड कर लें, जैसे कि उबल को ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंड डन करते। देन उसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो 90% क्रिएट हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग वाला बाइसेक्ट वाला इफेक्ट है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे ये सेक इफेक्ट और ये सारे एनिमेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना तो हमारे क्रिएट हो चुका है, अब इसमें हमें थोड़ा सा सेक इफेक्ट ये जो यहाँ पे होता है ना वो ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करेंगे और फ्लैश इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है यार, आपको इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड पार्टी वाले सेक्शन में आप आ जाओ सिंपली से, ठीक है। पार्टी वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉब का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर टैप करना एंड इसे जस्ट आपको डन कर लेना, और जहाँ तक आपका फर्स्ट वाला फोटो है उतना दूर तक इस वाले इफेक्ट को हमें रखना होगा, तो इतना दूर तक हमने रख दिया। सिमिलरली बैक करेंगे एंड इसके ऊपर वीडियो इफेक्ट के ऊपर टैप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें बेसिक में आ जाना होगा, ठीक है। तो मैं बेसिक में आता हूँ एंड यहाँ पे हमें एक से एक इफेक्ट मिल जाएगा, तो इसको अप्लाई करेंगे एंड डन करेंगे। बट यार आप देख पा रहे हो ये सेक इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही मीन्स सेक कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे एडजस्ट के ऊपर आएंगे एंड इसका इंटेंसिटी आपको 5 या 6% रखना एंड डन कर देना, ठीक है। उसके बाद इसका भी ड्यूरेशन जो होगा वो पूरा मीन्स अपने वाले फोटो तक रखेंगे और डन करेंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हो हमारी जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो को क्रिएट किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप देख सकते हो। और मेरे वीडियो क्रिएट हो गया, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब क्रिएट हो चुका है तो सिंपली से क्या करेंगे, एक्सपोर्टर बटन के ऊपर टैप करके यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके आई होप आपको हर एक स्टेप को समझ में आया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आ गई है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।